हरे कृष्णा, जय माँ प्रतिंगिरा, जय माँ दुर्गा। तो आज टॉपिक है आज से 5 साल बाद कैसी रहेगी जिंदगी। ठीक है, ये एक नया टॉपिक है एंड काफ़ी दिनों से दिमाग में था, सोचा कि चलो भाई इसे हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो 5 साल बाद की जिंदगी, ये होने वाला है पिक कार्ड रीडिंग। आपके सामने 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, पहला ऑब्जेक्ट जो कि आपको दिख रहा है, ओके, ये है एक क्यूट सा कपल, एज यू कैन सी। ठीक है, अगर आपको इसे चुनना है आप चुन सकते हो। सेकेंड जो है वो है एक कैंडल जो कि लाइटेड है। ठीक है, एंड थर्ड जो है वो है बोट में सवार कपल। ओके, आई होप यू कुड सी दैट। तो आपको इसमें से किसी एक को चुनना है, या तो एक क्यूट सा कपल, या तो कैंडल, या तो बोट में सवार कपल। ठीक है, तो अब हम करते हैं शफलिंग। ठीक है, मैं टाइम स्टैम्प डाल दूंगा, आप उसके हिसाब से चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, हम हर एक से सिर्फ 2-2 कार्ड यूज़ करेंगे एंड उसी के ऊपर हम रीडिंग करेंगे। ठीक है, तो पहले लेते हैं ये, ओके, पहला क्यूट कपल के लिए चुनते हैं 2 कार्ड। ये आ गए। कैंडल के लिए चुनते हैं 2 कार्ड। एंड बोर्ड के लिए भी चुनते हैं 2 कार्ड। ठीक है, ये एक कार्ड आ गया, ये दूसरा कार्ड आ गया। ठीक है, तो बोर्ड के लिए हमें 2-2 कार्ड्स मिल गए हैं। तो अब इसको रखते हैं साइड में, इस ओरेकल को। ठीक है, अब हम इस डेक को यूज़ करते हैं। ठीक है, क्यूट कपल के लिए चुनते हैं 2 कार्ड्स। कैंडल के लिए भी चुनते हैं 2 कार्ड्स। एंड बोर्ड के लिए भी चुनते हैं 2 कार्ड्स। ठीक है, अब रह गया फाइनल टैरो। तो देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो, ये है एंजल टैरो। तो पहले क्यूट कपल के लिए चुनते हैं 2 कार्ड। कैंडल के लिए भी चुनते हैं 2 कार्ड। एंड ड्रीम बोट के लिए भी चुनते हैं 2 कार्ड। ठीक है, तो हमने ऑब्जेक्ट्स चुन लिए हैं। तो अब हम करते हैं रीडिंग की शुरुआत। ठीक है, इसको रखते हैं थोड़ा सा साइड में। जिन्होंने भी चुना है क्यूट कपल, ये है रीडिंग आपके लिए। ठीक है, पहले देखते हैं क्या है। ये आ गया है टैरो एंड ये है 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, मैनेजिंग योर रिसोर्सेस वाइजली, एक्सट्रीम्स इन हाउ यू गिव और रिसीव मनी, टाइम और इमोशंस, स्मार्ट बिजनेस डिसीजंस, सीइंग थिंग्स और एज ब्लैक एंड वाइट, बींग चैरिटेबल। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आज से 5 साल बाद आप काफ़ी सही तरीके से अपना बिजनेस यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, अभी अगर आपका बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है, फिर कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें आ रही है, तो 5 साल बाद ये दिक्कतें बहुत कम हो जाएगी। बहुत नॉलेज आपको मिल सकता है एंड आप काफ़ी कुछ स्ट्रैटेजीज यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कि कैसे भी करके मुझे मेरा बिजनेस जो है वो टॉप पे ले जाना है। मतलब कैसे, किस तरह से, कि मान लो आपका कोई कपड़े का बिजनेस है, तो भाई कहाँ से क्लोथ्स लाने हैं, कहाँ से बिजनेस करना है, कैसे प्रॉफिट कमाना है, ये सारे आइडियाज़ आपके इन 5 सालों में काफ़ी ज़्यादा विकसित हो सकते हैं। ठीक है, आप स्मार्ट बिजनेस कर पाओगे एंड चीज़ों को है ना आप काफ़ी सही तरीके से देख पाओगे कि कौन सी व्यक्ति भी आपके लिए सही है और कौन सी व्यक्ति आपका सिर्फ फ़ायदा उठा रही है। ये सारी चीज़ें आप बहुत ही ईजिली कर सकते हो। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं पे लोगों को जज करना, लोगों को अंडरस्टैंड करना, कौन अपना कौन पराया, ये सारी चीज़ें आप समझ पाते हो। मतलब ये हो सकता है 5 साल बाद। अब कैसे होगा, बिकॉज आप में इतने सारे बदलाव हो सकते हैं, जो काफ़ी सही बात है। एक और मीनिंग ये भी निकलता है कि आप अपने व्यक्ति के बहुत करीब हो गए
एंड आप अपने लवर को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। हर वक्त आपको पता होना चाहिए कि वो कहाँ पे है, आपके लवर कैसे है। सो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्यार भी आप इन 5 सालों के में कर सकते हो। सेकेंड जो कार्ड यहाँ पे आ गया है वो है रिलीज। ओके, एंडिंग्स दैट लीड टू न्यू बिगिनिंग्स, द नीड टू रिलीज सिचुएशंस और पीपल दैट होल्ड यू बैक, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, जो लोग आपको तकलीफ दे रहे हैं या फिर जो लोग आपकी ज़िंदगी में किसी भी कारण से उपयुक्त नहीं हैं, उनका साथ छोड़ना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो आने वाले इन 5 सालों में आप ऐसे लोगों से अपना वास्ता तोड़ सकते हो। देखो, कई बार ऐसे लोग आपके लिए सिर्फ बैगेज होते हैं, बैगेज में लगे भी आपके हेल्पफुल नहीं रहते हैं बल्कि आपके ऊपर अपना बोझ डालते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को आप गुड बाय ही कहोगे, जो आपके लिए सही रहेगा। सेकेंडली, अगर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ख़त्म भी हो रही है तो कुछ चीज़ें सही हो जाएंगी। तो अगर इन 5 सालों में ऐसा कोई व्यक्ति या फिर कोई लोग आपकी ज़िंदगी से एग्जिट हो रहे हैं तो एंट्री भी बहुत सारे और बहुत अच्छे लोगों की होने वाली है। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं आपके अंदर स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। और इसका मतलब कहीं ना कहीं वे भी, अगर आपको लग रहा है कि भगवान ने आपके लिए कोई मकसद बनाया है तो मकसद आपको चाहे इंटिविजुअली हो या फिर अगर आप ध्यान करते तो वहाँ से आपको समझ में आ सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट जो ओरेकल कार्ड आ गया है वो है सेंट पैट्रिक। यह है सेंट एंड क्रिस्टल कार्ड। सेंट पैट्रिक, आई एम सो इनक्रेडिबली लकी, यानी कि आज से 5 साल बाद आप काफ़ी लकी होने वाले हो। ठीक है, जो काफ़ी सही बात है। ब्लेसिंग्स इन माई लाइफ आर प्लेंटीफुल, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है। मतलब इंसान को लगता है ना कि कोई तो हो जो मुझे आशीर्वाद दे, तो बहुत सारे आशीर्वाद आपको आने वाले पलों में मिल सकते हैं। अबुंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी कंटिन्यूसली फ्लो माई वे, आई एम सेफ एंड डिवाइनली प्रोटेक्टेड। आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, भगवान खुद आपकी रक्षा कर रहे हैं अपने दूतों को भेज के। निष्कार यहाँ पे वो है ग्रीन गोल्ड स्टोन, अगर आपको चाहिए तो आप ये स्टोन भी परचेज करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डू यू विश फॉर मोर लक, क्या आपको और ज़्यादा लक चाहिए, क्या आपको सिक्योरिटी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपको इस स्टोन से मिल सकती है। कहीं ना कहीं ये स्टोन आपके इस कारण पे आपको हेल्प कर सकता है। ठीक है, बी अश्योर दैट यू हैव ऑल द गुड फॉर्चून यू नीड एट योर डिस्पोजल, सारी अच्छी चीज़ें जो आपको चाहिए वो आपके आस पास है, बस आपको उसकी तरफ ध्यान से देखना है। सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है पद्म संभवा। ठीक है, आई एफर्टलेसली टैप इन टू यूनिवर्सल विजडम, आई हैव एक्स्ट्रॉर्डनरी गुड फॉर्चून इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ माई लाइफ, स्पेशली इन माई इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। अगर हम रिश्तों की बात करें तो आपके सारे रिश्ते बहुत सटीक, बहुत यूनिक और बहुत पावरफुल हो सकते हैं। ठीक है, सो आफ्टर 5 ईयर्स, आने वाले 5 साल में आपको ये सारे बदलाव देखने को मिलेंगे कि जिनसे भी आप रिश्ता जोड़ेंगे वो व्यक्ति एक्चुअली आपके साथ बहुत नरमी से पेश आएगा। ठीक है, अगर आपको विजडम चाहिए, अगर आपको फॉर्चून चाहिए तो ये सेंट आपको वो सब दिला सकता है। ओके, क्रिस्टन थिमम स्टोन, वाओ ये अलग ही नाम है। आर यू रेडी टू ओवरकम सफरिंग, डू यू हैव इनफ क्लैरिटी टू फाइंड द सोर्स ऑफ योर मिजरी, अगर आपको तकलीफ हो रही है तो उसका सोर्स भी पता होना चाहिए। तो आने वाले 5 सालों में जितनी आपकी तकलीफें हैं उन्हें सबका अंत आप तुरंत कर पाओगे। ठीक है, आप देखते हैं ये जो ओरेकल उसकी कारण है वो है ब्रिजिट, डोंट बैक डाउन, स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इज राइट। इसका मतलब क्या आ रहा है कि भाई आपको झुकना नहीं है। ठीक है, चाहे जितने भी सिचुएशन आ जाए कि जैसे कि आपके एम्प्लॉयर हैं वो अगर कह रहे हैं कि जॉब छोड़ दे, या फिर बहुत तकलीफ वाली सिचुएशन अगर आ चुकी है बिजनेस में, तो आने वाले 5 सालों में इन आप सबसे बाहर निकल सकते हो, बहुत पॉजिटिव आप अपनी ज़िंदगी कर सकते हो। सेकेंड चुकाड़ है वो है अबुंडांटिया प्रॉस्पेरिटी, द यूनिवर्स इज पोरिंग इट्स अबुंडेंस आउट टू यू, बी ओपन टू रिसीविंग। यूनिवर्स आपको अभी अबुंडेंस देने के मूड में है, लेकिन वो दे रही हैं, वो आपको स्वीकारना भी होगा। तो अगर आप उसे स्वीकारते हैं तो आपकी ज़िंदगी प्रॉस्परस हो सकती है। रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1। ठीक है, अब रहते हैं साइड में, देखते हैं सेकेंड जो कि है भैया एक कैंडल, देखते कैंडल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। पहला जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है देखो वो है एस ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। ठीक है, अ ब्यूटीफुल न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस, रोमांटिक रिलेशनशिप और डीप फ्रेंडशिप, अवेकनिंग ऑफ साइकिक एबिलिटीज और स्पिरिचुअल इंसाइट्स, अ लव लेटर, अ न्यू होम। किसी को नया घर भी मिल सकता है या फिर एक लव लेटर आप रिसीव कर सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक 5 साल बाद आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोमेंट आएगा जहाँ पे आपको अगर घर खरीदना है तो अभी से आप कोशिश कर रहे हो, तो 5 साल बाद आपकी ये कोशिश रंग ला सकती है।
अगर आप फिलहाल कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते या फिर आगे चल के आपको लग रहा है कि मुझे एक रिलेशनशिप चाहिए, तो 5 साल के बाद वो रिश्ता काफ़ी मजबूत हो सकता है, काफ़ी मजबूत होने वाला है एंड आप एक दूसरे को सपोर्ट कर पाएंगे। ठीक है, आपका जो एक इमोशनल एक्सपीरियंस का अनुभव होगा कि चाहे वो रिश्ते में हो चाहे लोगों के साथ हो, वो काफ़ी सही रहेगा, आपको बिल्कुल भी मैंने कोई गलती की ऐसे नहीं लगने वाला। सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है 6 of Wands एरीज लियो सैज, विक्ट्री, वाइज चॉइसेस दैट ब्रिंग पब्लिक रिकग्निशन एंड सक्सेस, प्रमोशंस, अवार्ड्स और स्कॉलरशिप्स। ठीक है भाई, इसका क्या मतलब है? 6 of Wands विक्ट्री यानी कि भाई आप जो चाहोगे वो आपको मिलने वाला है, सो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, आपकी कुछ चीज़ें वो पब्लिक हो सकती हैं, जैसे कि मान लो अपनी अभी तक अपनी कंपनी नहीं निकाली तो मे बी 5 साल बाद आप अपनी एक नई कंपनी खोल सकते हो। ठीक है, उसका प्रमोशन करना है, अवार्ड प्राप्त करने हैं, अवार्ड देना है, वो सारी चीज़ें आप इजीली कर पाओगे। और इतने ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती हैं? देखो पहला जो कार्ड है वो है सेरापिस बे, आई एम फुल ऑफ वीगर, आई एम ऑथेंटिक एंड लॉयल, आई कॉन्फिडेंट रिवील माई ट्रू कलर्स, आई एम फुल ऑफ लाइफ एनहांसिंग जॉय एंड गुडनेस, माई लाइफ इज डायनामिक एंड फुल ऑफ वाइब्रेंट एनर्जी, बींग ऑल दैट आई कैन बी फील्स फैबुलस। ठीक है, मतलब ज़िंदगी आपके लिए काफ़ी हसीन बनने वाली है, आप कहीं ना कहीं पे लॉयल बनना चाहते हैं कि प्रामाणिक किसी के लिए। ठीक है, तो अगर आपको एक सच्चा साथी चाहिए तो 5 साल बाद एक सच्चा साथी मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। रेड गोल्ड स्टोन ये आपको लिए स्टोन है, आर यू इन टच विथ योर मैग्निफिकेंस, हैव यू बीन लिविंग योर लाइफ इन फुल स्प्लेंडर, फाइंड वेज टू ब्रिंग मोर जॉय इन टू योर लाइफ, और कैसे आप अपने ज़िंदगी में खुशियाँ प्राप्त कर सकते हो ये आपको यहाँ पे ढूंढना है। इशू कार्ड यहाँ पे वो है पलास अथीना, आई रियलाइज माई फुलेस्ट पोटेंशियल स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली एंड फिजिकली, आई सी द पैटर्न्स इन माई लाइफ एंड फॉलो द कोर्स टूवर्ड हायर नॉलेज, रेनबो ऑफ लाइट एंड पॉजिटिव एनर्जी एक्सपांड्स माई कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो यहाँ पे 5 साल बाद की ज़िंदगी जो होगी वो काफ़ी सही होगी। ठीक है, आप सही भी जो भी दिशाएं हैं, जैसे कि अगर आपकी स्पिरिचुअल साइड हो गई, आपकी मेंटल साइड हो गई, इमोशनल एंड फिजिकल साइड हो गई, ठीक है, तो इन सारी जगहों में आप बहुत अच्छे से स्टैंड करोगे। ठीक है, अभी में भी आपको कोई हेल्थ इशू हो सकता है, लेकिन बाद में आपको कोई भी हेल्थ इशू मोस्टली नहीं होने वाला। ठीक है, सेकंड जो कार्ड आ गया है वो है बिस्मत, बिस्मत का मतलब क्या है? आर यू इन टच विथ योर क्रिएटिव इंटेलिजेंस, आर यू विलिंग टू लुक एट लाइफ विद अ फ्रेश पर्सपेक्टिव, क्या नए नज़रिए से आप ज़िंदगी देखना चाहते हो, तो शायद 5 साल बाद यस आप एक नई ज़िंदगी देख सकते हो। अगले थे ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है? देखो पहला जो ओरेकल है वो है कॉर्डेला, गो आउटसाइड, यू हैव बीन इंडोर्स टू लॉन्ग, गो आउटसाइड एंड गेट सम फ्रेश एयर। 5 साल बाद आप ज़्यादातर बाहरी दुनिया में जियोगे। ठीक है, अभी तक मे बी अगर आप अपने फैमिली की तरफ ध्यान दे रहे हो या फिर अपनी तरफ ध्यान दे रहे हो, ज़्यादा बाहर नहीं निकल रहे हो, तो 5 साल बाद आप काफ़ी जगह पे ट्रैवल कर चुके होंगे, चाहे वो सिंगल सोलो ट्रैवल हो या फिर लोगों के साथ ट्रैवल करना हो, फैमिली के साथ हो, तो वो भी आप सही मायनों में कर सकते हैं। सेकेंडली, आप अकेले नहीं होंगे, लोग आपका साथ ज़रूर देंगे। नेक्स्ट कार्ड है वो है मेरी मैकडलन, अनकंडीशनल लव, लव योर सेल्फ, अदर्स एंड एवरी सिचुएशन, नो मैटर वॉट द आउटवर्ड अपीयरेंस कैन बी, चाहे जितने भी कोशिश हो जाए, आपके लिए एक वर्ड आ गया है कि आपको हर व्यक्ति से प्यार करके आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हमेशा ये ध्यान में रखें कि भाई प्यार ही वो चाबी है जो इंसान का दिल खोल लेती है, तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है, तो इस गलती को सुधारने के लिए ये व्यक्ति आने वाला है। ठीक है, ये था रिगार्डिंग दी सेकेंड पाइल, और देखते हैं थर्ड जो कि है भाई द बोट। ठीक है, इसको हम रखते हैं यहाँ पे और बोर्ड के लिए करते हैं रीडिंग की शुरुआत। ठीक है, देखो पहला जो कार्ड आ गया है बोर्ड के लिए वो है एस ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, ब्रिलियंट आइडियाज दैट मे नीड रिफाइनमेंट, ओवरकमिंग ऑब्स्टैकल्स विद फेथ दैट एवरीथिंग विल वर्क आउट, कम्युनिकेट क्लियरली एंड कंसाइजली, रिमेन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि भाई 5 साल बाद मेरी जिंदगी कैसी होगी, तो डू नॉट वरी, काफ़ी सही होगी। कम्युनिकेशन आप कर पाएंगे, चाहे वो आपके कलीग हो, चाहे आपके लिए काम करने वाले लोग या फिर आप और किसी लिए काम कर रहे हो, लोग आपके यहाँ पे बहुत आते हैं, तो उनको कैसे मनाना है ये सारी चीज़ें आप इजीली सीख सकते हो। ठीक है, हर कठिन परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त करना ये आपका पहला मोटिव होगा। सेकेंड कि आपको कम्युनिकेशन अगर करना है तो बहुत ही क्लियरली कीजिए, कंसाइजली कीजिए। ठीक है, मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं हो कि कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि मुझे वो बोलने की ज़रूरत थी और मैंने नहीं बोला।
ठीक है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि भाई आपकी ज़रूरत है आप वहाँ पे जा सकते हो और अपनी दिल की बात वहाँ पे कह पाओगे। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है दी हर्मिट, यानी कि वर्गो का कार्ड यहाँ पे आ चुका है। टाइम स्पेंड इन पीसफुल मेडिटेशन एंड मीनिंगफुल सॉलिट्यूड, शाइन योर लाइट एज एन एग्जाम्पल टू अदर्स, सीक आउट और बिकम अ स्पिरिचुअल मेंटर, सेल्फ डिस्कवरी। आप अपनी सेल्फ डिस्कवरी कर पाओगे, ठीक है। अभी भी बहुत सारे एक्सपीरियंस आपको 5 साल बाद मिलने वाले हैं, तो यू कैन से कि भाई अगर आप बैचलर रहे हो या फिर रश पे पड़े हो तो ये आपके लिए काफ़ी हद तक सही हो सकता है। अब जो नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है वाइट बफेलो काफ वुमन, आई एम वन विद ऑल दैट इज, आई एम टर्न्ड इनटू फोर्सेस ऑफ द यूनिवर्स, प्रेयर इज रेगुलर पार्ट ऑफ माई डेली लाइफ, आई इजिली एक्सेस विजडम एंड नॉलेज। कि अगर आप हर रोज़ प्रार्थना करते हो एंड 5 साल बाद तो यकीनन आप हर रोज़ प्रार्थना कर सकते हो, तो उसकी वजह से क्या होगा ना कि जो आपकी इच्छा है वो सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। एमेथिस्ट ड्रजी, डू यू रिमेंबर योर कनेक्शन विद ग्रेट स्पिरिट, आर यू रीचिंग आउट इन प्रेयर आस्किंग फॉर हेल्प। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि भाई मुझे शांति नहीं मिली है, अभी शांति नहीं मिल रही, तो आज से 5 साल बाद जो भी आपने सोचा कि भाई अभी क्या हो रहा है तो उससे काफ़ी अच्छा होने वाला है। अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरा फोकसिंग नहीं होने वाला तो तब फोकसिंग हो सकता है। ठीक है, अंदरूनी शांति जिसे हम कहते हैं कि दिमाग भी शांत है, मन भी शांत है, हम ज़्यादा सोच नहीं रहे हैं, वो पोजिशन आपको 5 साल बाद मिलने वाली है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है स्वामी शिवानंद, आई एक्नॉलेज एंड स्टोर हाउस ऑफ स्पिरिचुअल विजडम विद इन, आई ट्रस्ट माई इनर वॉइस एंड फॉलो इनर गाइडेंस, आई एम विलिंग चैनल फॉर डिवाइन इंस्पिरेशन, आई एम रेगुलर योगा प्रैक्टिस। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यू नो 5 साल बाद आप अपनी हेल्थ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे, आपकी हेल्थ कैसी सही रह पाएगी इसके ऊपर ही आपकी कोशिश होगी। ठीक है, सेकेंडली आप कहीं ना कहीं योग में पार्टिसिपेट करोगे एंड काफ़ी अच्छा बेनिफिट आपको योग से मिल सकता है। अरेगोनाइट, ठीक है, आर यू रेडी टू सर्व, डू यू फील गाइडेड टू स्टार्ट और रिज्यूम योगा क्लासेस। अगर आपको लग रहा है कि भाई अकेले हो आप तो डोंट वरी, 5 साल बाद आप बिल्कुल भी अकेले नहीं रहोगे। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है वाइट तारा सेंसिटिविटी, यू आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली सेंसिटिव, अवॉइड हार्श रिलेशनशिप्स, एनवायरमेंट, सिचुएशन एंड केमिकल्स। आज से 5 साल बाद यू नो क्या होगा कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बनने वाले हो, तो किसी ने अगर हल्की सी भी बात कही वो आपको चुभ सकती हैं। तो आई थिंक 5 साल बाद आप ऐसे ही लोगों से कनेक्ट करोगे जो सिर्फ और सिर्फ रिस्पेक्ट करना जानते हैं। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है एराक्यूरा ब्लॉसमिंग, यू आर गेटिंग स्टार्टेड, सो हैव पेशेंस विद योरसेल्फ एंड द प्रोसेस एंड डू नॉट गिव अप। अभी तो शुरुआत किए हैं तो आपको ज़्यादा तकलीफ लेने की ज़रूरत नहीं है, 5 साल बाद ये सारी तकलीफें एंड होने वाली हैं और काफ़ी अच्छा सुझाव आपको मिल रहा है कि ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें अच्छी आपकी ज़िंदगी में हो सकती हैं। विद रीडिंग आई होप इट विल रेजोनेट।